Hey guys, welcome back to my channel. Hope all are good. So ये जो कार है Citroen C3 Aircross जो हाल ही में लॉन्च हुआ है इन 2024 में, ये है ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। पहले बात कर लेते हैं Citroen के बारे में। Citroen एक न्यू कंपनी है इन इंडियन मार्केट में, जो 2021 में सितंबर मंथ में लॉन्च हुआ था विद Citroen C3 कार के साथ। बट ये जो कंपनी है ये 104 साल पुरानी कंपनी है एंड फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है। क्यों उस कार को कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि एक फ्रेंच ब्रांड है, इसमें बेटर इंजन क्वालिटी मिलते हैं, रिफाइनमेंट इंजन है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही इंक्रीज करता है एंड इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है एंड राइडिंग एक्सपीरियंस एंड आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन। एंड इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो Citroen इंटरनेशनल मार्केट में स्पोर्ट्स कार एंड बिग ट्रक्स बनाता है, इसके लिए जाना जाता है। ये आपको स्टार्टिंग जो प्राइस है 12,85,000 रुपीज़ के साथ स्टार्ट होते हैं एंड 14,26,000 रुपीज़ तक ये जाता है। और पर्टिकुलर ये जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है इसकी ऑन रोड प्राइस 17 लाख है विथ 7 सीटर एंड 16 लाख है वो है 5 सीटर। और थैंक यू वेरी मच ला मिशन Citroen इन पुणे बानेर लोकेशन टू मेकिंग मी आउट दिस वीडियो। इस कार की ऑफर्स के बारे में अगर बात करें तो इस शोरूम आपको 1 लाख डिस्काउंट दे रहे हैं वो जो 2023 वाला प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर एंड वो ऑटोमेटिक पे नहीं, वो उधर एक गाड़ी है वो है मैनुअल का गाड़ी, उसके ऊपर आपको फ्लैट 1 लाख डिस्काउंट दे रहे हैं जो टॉप एंड वेरियंट है एंड मिड वेरियंट है उसके ऊपर। सामने अगर बात करें तो बेहतरीन सा एक मस्कुलर सा डिज़ाइन इसमें आता है, देखने में गाड़ी काफ़ी बल्की है और मिडिल पोजीशन में आपको Citroen की लोगो मिलते हैं। ये है इसका लोगो जो काफ़ी यूनिक सा लोगो है, ये है इसका लोगो एंड पियानो ब्लैक फिनिश में इसका ग्रिल आते हैं, जो ग्रिल है वो देखने में काफ़ी बढ़िया है। और नीचे बम्पर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर कलर फिनिशिंग के साथ जो बम्पर का लेआउट है वो काफ़ी इसका डिज़ाइन एलिमेंट को और भी बहुत इंक्रीज़ करते हैं। जो फॉग लैम्प है वो आपको हैलोजिन में आते हैं, जो हेडलैम्प है वो भी हैलोजिन पे आते हैं, बट इसका जो DRL है वो इंडिकेटर्स DRLs वो आपको LED में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टोइंग हुक का प्लेसमेंट दिया गया है। साइड से भी देखने में गाड़ी देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं, काफ़ी मस्कुलर सा लुक है इसका। एंड टायर की अगर बात करें तो इसमें R17 का एलॉयस मिल जाते हैं, फ्रंट में 2 डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रेयर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, डायमंड कट आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं और जो बेस मॉडल है जो स्टील रिम के साथ आते हैं वो उसका जो टायर है वो 205/65 और ये जो टायर है 215/60। लोअर सेक्शन में आपको जो क्लैडिंग मिल जाते हैं ब्लैक कलर लेआउट के साथ वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड जो वॉर बीएम है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको LED इंडिकेटर का भी प्लेसमेंट किया गया है। जो डोर हैंडल्स है वो डोर हैंडल्स का डिज़ाइन मुझे कुछ यूनिक लगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जो नॉर्मल डोर हैंडल्स होते हैं जो इंडियन मार्केट में चलती है वो एयर को पकड़ के रखती है बट ये एयर को पास कर देती है, तो इसलिए इसको रिसर्च ऐसे किया गया है। और यहाँ पे बात करें जो इसकी विंडो की, काफ़ी बड़ा सा विंडो है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर में जो डिज़ाइन एलिमेंट है और यहाँ पे जो डिज़ाइन एलिमेंट है काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन एलिमेंट है एंड काफ़ी बड़ा सा एक विंडो है, अंदर से बाहर तक इसका जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छे से आएगा। 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाते हैं, 17 से 18 तक माइलेज आराम से ये क्लेम कर लेती है। एयर से देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं कार एंड ऑल LED सेटअप इधर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो है ये आपका बैक लाइट और यहाँ पे जब आपको ब्रेक करेंगे वो वाला लाइट और ये आपका इंडिकेटर्स LED में, सब LED में आपको देखने को मिलते हैं। और प्योर टेक इसका जो इंजन है उसका भी ब्रांडिंग इधर आपको देखने को मिल जाता है, Citroen की लोगो मिडिल पोजीशन में और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है जो इसको डिज़ाइन एलिमेंट को और भी बहुत इम्प्रूव करते हैं। ऊपर की तरफ शार्कफिन एंटीना, यहाँ पे स्पॉयलर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ब्लैक लेआउट में आते हैं और यहाँ पे आपको बड़ी साइज में 2 रूफ रेल्स भी देखने को मिलते हैं जो सिल्वर कलर फिनिशिंग के साथ आते हैं। डिफोगर की भी ऑप्शन है एंड यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प और का भी प्लेसमेंट इधर मिल जाता है। और इस साइड में राइट साइड में अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको 1-2 पार्किंग सेंसर और एक कैमरा का प्लेसमेंट नंबर प्लेट की जस्ट ऊपर में देखने को मिल जाता है। C3 Aircross की बैजिंग इधर है और बूट की अगर बात करें तो
444 लीटर की बूट स्पेस मिल जाते हैं। सो इस तरीके से बूट कुछ ओपन होते हैं। ये सेवन सीटर वाला वेरिएंट है, अगर सेवन सीटर कोई नहीं भी लेता है तो ये दो सीट को वो रिमूव कर सकते हैं एंड उसमें 40,000 का उसका बेनिफिट वो भी मिलते हैं। और नहीं चाहे तो इसको भी ये फोल्ड कर सकते हैं, जैसे ये फोल्ड किया हुआ है तो उसमें भी इसमें स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग का भी दो पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे कुछ सामान को आप कैरी कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्लेस इधर है। यहाँ पे मैक्सिमम 3 kg तक आप कुछ टांग सकते हैं, उसका भी यहाँ पे प्लेसमेंट किया गया है। और इसमें सीट है इसलिए यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का भी प्लेसमेंट दिया गया है। और यहाँ पे कुछ टांग सकते हैं तो हुक के लिए, कुछ बंद सकते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे प्लेसमेंट किया गया है। ड्राइवर साइड वाला जो डोर है, यहाँ पे की के हेल्प से आप इसको ओपन करेंगे और ये डोर ओपन करने के बाद ये जो डोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो अंदर जाने का जो पोजीशन है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गाड़ी है और इसमें स्पेस भर भर के है, क्योंकि ये बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का एक गाड़ी है और इसमें स्पेस भर भर के हैं। सो डोर की अगर बात करें तो ये ड्यूअल टोन फिनिशिंग के साथ आते हैं। यहाँ पे वाइट का स्ट्रिप मिल जाते हैं जो हल्का सा लेदर रैप में आते हैं और हार्ड प्लास्टिक फाइबर में आपको बाकी का एलिमेंट मिलते हैं। यहाँ पे एक स्पीकर का ऑप्शन मिलते हैं और उस साइड में भी आपको एक स्पीकर का ऑप्शन मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग का इधर पोजीशन दिया गया है। पावर विंडो का कंट्रोल इधर है और यहाँ पे इनसाइड ओपनर्स वो क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं। इस तरीके से इसका डैशबोर्ड कुछ प्रेजेंट होते हैं, जो काफ़ी सुंदर सा इंटीरियर मुझे लगा और इसका डिज़ाइन कुछ यूनिक से लगा मुझे। तो लेट्स एंटर इनटू द इंटीरियर। ये फ्यूल लीड ओपन करने का प्लेसमेंट इधर है और यहाँ पे ये बोनेट को आप यहाँ से ओपन करेंगे और ये क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पे दोनों ही आपको मिल जाते हैं, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक। काफ़ी कंफर्टेबल सीट लगा मुझे। और यहाँ पे अंदर थाई सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी अंदर थाई सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा सीट है, स्पेसियस गाड़ी है। सो इंटीरियर की अगर बात करें तो इस तरीके से इसका इंटीरियर कुछ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइन एलिमेंट है पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग है और ये एसी वेंट है। यहाँ पे आपको कुछ स्विचिंग वगैरह दिया गया है, वो आरबीएम का कंट्रोल इधर करेंगे। यहाँ पे एक ट्विटर का प्लेसमेंट है और ये है इसका डैशबोर्ड, जो काफ़ी सुंदर सा एक डैशबोर्ड है। और यहाँ पे एयरबैग का पोजीशन है, स्टैंडर्ड दो एयरबैग इसमें आ जाता है और उस साइड से भी आपको सेम मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलते हैं जो सिल्वर कलर फिनिशिंग के साथ आते हैं। एक बड़ा सा ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है विथ फर्स्ट एड किट। और बात करें इसकी स्टीयरिंग की, लेदर रैप में आते हैं, काफ़ी अच्छा खासा स्टीयरिंग है। एंड ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत सारा फंक्शन है उधर। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ऑलवेज रीसेट सिस्टम आफ्टर रिफिलिंग टायर्स, वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। और वह फ्यूल इंडिकेशन, मेल फंक्शन, सेटिंग्स, इंडिकेटर, इंडिकेशन का ऑप्शन, फ्यूल इंडिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग उधर मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इधर मिलते हैं, सिट्रोएन की लोगो बीच में, एयरबैग का पोजीशन इधर एक है। यहाँ पे डी कट टाइप का कुछ दिया गया है इस साइड में और यहाँ पे की से आप इसको इस साइड में की से आप इसको ऑन करेंगे। और यहाँ पे ये आपका लाइटिंग का कंट्रोल, वाइपर का कंट्रोल इधर से मिल जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे एसी वेंट का भी प्लेसमेंट किया गया है, जो अच्छे से फंक्शन होते हैं और कैसे भी आप इसको अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ब्लैक जो पियानो ब्लैक का जो फिनिशिंग है, काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन है। और यहाँ पे अगर इसका टच के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा टच है और डिस्प्ले, ये इसका जो टच है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो इसका साइज है 10.23 इंचेस का है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों फैसिलिटी सपोर्ट करते हैं। 6-speed AMT ट्रांसमिशन के साथ आते हैं ये गियर लीवर और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाते हैं, इधर भी स्पेस है। 12 वोल्ट चार्जिंग का सॉकेट, हैजर्ड लाइट, USB सॉकेट और कप होल्डर इधर रख सकते हैं। और ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग इधर भी है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, हैंड ब्रेक और यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको दो बटन मिल जाते हैं। ये मैनुअली आप इसको एडजस्ट करेंगे IRBM को और यहाँ पे एक लाइट है जो हैलोजिन पे आते हैं और दो वैनिटी मिरर भी है इधर। रेयर साइड की अगर बात करें तो ये है इसका रेयर डोर, यहाँ पे आपको सिंपली ड्यूअल टोन फिनिशिंग मिल जाते हैं। पायर विंडो का कंट्रोल वो नहीं मिलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको इनसाइड ओपनर मिल जाते हैं। सीट की कंफर्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल एक सीट है। यहाँ पे ये जो लाइट है हैलोजिन पे आते हैं। यहाँ पे आपको कुछ
कंट्रोल्स दिया गया है, 1, 2, 3 जो एसी वेंट है इधर भी है, तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये जो फैसिलिटी है। और यहाँ पे कुछ स्पीकर का भी प्लेसमेंट किया गया है और सेम स्पेसियस आपको सीट इधर देखने को मिल जाते हैं। सो ये है इसका इंजन बोनट ओपन करने के बाद। इसका आप देख सकते हैं इसका क्या क्या है यहाँ पे, जैसे बहुत सारा फीचर्स जो जो इंजन का होता है सब कुछ है इधर। और एक बात मुझे अच्छा लगा नॉइज़ कैंसिलेशन किए के लिए, वो है यहाँ पे एक पैड ऐसे दिया गया है, ये पैड तो इसलिए इंसुलेशन है क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें बढ़िया से होता है, क्योंकि इंजन का जो नॉइज़ है वो अंदर तक नहीं जाएगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं टर्बो चार्ज वाला 3 सिलेंडर 1200 cc का एक पेट्रोल इंजन मिलते हैं, काफ़ी पावरफुल इंजन होते हैं एंड 110 PS का मैक्सिमम पावर विद 5500 RPM पर एंड 205 Nm की मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस कर लेती है। और एक आपको फीचर मिल जाते हैं, मान लीजिए गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है तो उस दौरान ये जो इंजन है ये इंजन ऑटोमेटिक एक स्टेप नीचे चला जाएगा, इसलिए क्योंकि कोई अगर भारी टक्कर होता है तो वो नीचे अगर चला जाता है तो इसमें इंजन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इंजन एज इट इज़ सेम रहेगा। तो ये मुझे कुल फीचर लगा। तो बाकी बात करें सेफ्टी फीचर्स की, ड्यूल एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, हील होल्ड असिस्ट, EPS विथ ABS एंड TPMS एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ सेंसर्स वो भी मिल जाते हैं। इस गाड़ी की डायमेंशन के अगर बारे में बात करें तो लेंथ है 4323 mm, विथ जो है 1796 mm, हाइट है 1669 mm, व्हील बेस है 2671 mm, वेट है 1834 kg एंड ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm की, जो काफ़ी है। ये था इस कार की टोटल डिटेल रिव्यू, कैसे लगा मुझे कमेंट करके बोलिए एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। मैसन सिट्रोएन इन पुणे बनेर लोकेशन, ये है शोरूम का लोकेशन, यहाँ पे आप लोग आइए। सिट्रोएन की और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे सिट्रोएन C3 है, EV में भी है एंड नॉर्मल भी है, ये मैनुअल में भी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।